तो वहीं चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी और साथ ही सरकार बनाएगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जो पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने समर्थन दिया था और बीजेपी पार्टी को बिल्कुल अलविदा कहा था। उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज चरखी दादरी विधानसभा की राजनीतिक हलचलों के बारे में व जहां चरखी दादरी के विकास के बारे में। जी विधायक जी, जो चरखी दादरी के हलचलें हैं, एकदम विधायक विधानसभा के जो चुनाव है बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, इसको इसकी तैयारियों को लेकर आपको क्या कहना है? ऐसा है कि लोकसभा चुनाव के बाद तो कांग्रेस की 5 एमपी यहाँ से जीती गई, उसके बाद हमें हरियाणा के अंदर एक ज़बरदस्त उत्साह है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और इलेक्शन में सब पार्टियाँ अब अपने हिसाब से जुट गई हैं और आने वाले टाइम के अंदर 10 साल का जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का जो कार्यकाल था उससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। रही बात अगर बीजेपी की बात करें, आपने समर्थन दिया था, कई साल तक रहे भी, क्या विकास कार्यों में कमी रही इस कारण आपने पार्टी को छोड़ा? ऐसा है कि एक ऐसी सरकार जो पिछले हरियाणा प्रदेश में 10 साल से देखे, इसमें पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया, अपराध कई गुना बढ़ गया, पूरे प्रदेश के अंदर तरह तरह है भाई भतीजाबाद भ्रष्टाचार जो का। दूसरी बात यह है कि जाति पाति का जहर गुण है, पूरे समाज के अमन चैन शांति भंग हो गई, इसलिए सारी जनता त्रस्त है। इसलिए उसका भी हमने भी काम घाटबाद हो सकते हैं, लेकिन जो एक ऐसा माहौल ऐसा सिस्टम कर दिया प्रदेश को काफ़ी पीछे धकेल दिया। हमारे साथ निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने जो बात करते हुए उन्होंने बेबाक अपनी बात कही और कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए।